तो गाइस कल रात को आईपीएल का पहला मैच देखने के चक्कर में हम काफ़ी लेट हो गए सोने में। 2 बज गए थे ऑलमोस्ट सोते हुए। अभी सुबह के 9 बज चुके हैं, हम उठ चुके हैं और अपना वीक जो 15 का प्रोग्रेस आप लोगों से क्या आप लोगों के साथ शेयर करना था वो मैं नहीं कर पाया था, क्योंकि वीक 15 में मुझे थोड़ा सा फीवर और वीक 16 में मुझे वैक्सीनेशन लगी थी, जिस वजह से मेरे लेफ़्ट हैंड शोल्डर में काफ़ी पेन था तो हाथ उठ नहीं रहा था। 3 या 4 दिन एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं हो पाई। आज करेंगे हम बाइसेप्स ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज, और सबसे पहले हम उठते ही मेरे को रिकमेंड किया है किसी ने, कि कोच ने, कि मुझे एप्पल साइडर विनेगर पीना चाहिए। अब मैं पूछूंगा मोनिका से कि इसको कैसे लेना है। इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, वो मैं आप YouTube पे जाके देख लें, इतना मुझे भी ज़्यादा पता नहीं इसके बारे में। तो सबसे पहले आज लेंगे हम एप्पल साइडर विनेगर, उसके बाद पियेंगे बहुत सारा गर्म पानी, फिर उसके बाद जाएंगे हम थोड़ी देर वॉक करने। बहुत ही अजीब सा टेस्ट है इसका यार, बहुत ज़्यादा बिटर सा, अजीब सा, पता नहीं कैसे पीते हैं लोग, बट वो पीना पड़ेगा। थोड़ा पेट में गड़बड़ है पिछले 2 2 3 वीक से, मुझे लगता है कि शायद ये गड़बड़ एक्सरसाइज ना करने की वजह से भी है, क्योंकि एक्सरसाइज भी नहीं हो पा रही है प्रॉपरली। अब देखो गाइस कितना बढ़िया लग रहा है, लेवल 3 पे हमारी यूनिट है और सामने बिल्कुल क्लब, एक यहाँ पे क्लब है, वो अपना टेनिस कोर्ट है और अभी मोनिका किचन में आ गई है। मुझे लगता है एप्पल साइडर विनेगर पीने की कोशिश हो रही है वहाँ पे भी। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, फिर से आज का प्लान चेंज हो गया। अभी जा रहे हैं हम क्रिकेट खेलने। क्रिकेट खेलने बोले तो कोई गेम नहीं है, मैच नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस लगाने जा रहे हैं। ये भाई साहब उठ गए थे और इन्होंने उठते ही बोला कि चलो क्रिकेट खेलने चलते हैं। तो फिर मैंने क्या प्लान किया, जो एक्सरसाइज का प्लान है वो शाम पे कर लिया दोबारा से। अभी हम चलते हैं फटाफट से, आपको दिखाएंगे कि कैसा किस टाइप का नेट्स वेट्स लगे होते हैं यहाँ पे, और हर सबब में होते हैं ऑलमोस्ट, है ना, हर सबब में होते हैं ना, 2 3 ग्राउंड तो होते ही हैं, तो हर ग्राउंड में मतलब होता ही है क्रिकेट के लिए, 2 3 होती है ग्राउंड होता है। तो अभी ये भाई साहब देखो कच्चे कच्चे में जा रहे हैं, हालांकि बाहर ठंड बहुत है बट इनको खेलते हुए ठंड नहीं लगती। तो ये आ गए हैं हम प्रैक्टिस पे और भाई साहब शुभम भाई ऑलरेडी रेडी हैं, पैड वैड बांध के आज इनकी बैटिंग दिखाएंगे आपको। हाँ, ये यहाँ पे 1 2 और 3 तीन पिचेस बनी है बढ़िया वाली, और सामने क्रिकेट ग्राउंड और सामने मैच भी चल रहा है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, अब शायद दिखे। तो गाइस अब जा रहा हूँ मैं पहली बॉल फेंकने, अब देखना मेरा एक्शन में ही बोले कितना हाई लग रहा है। ओ यार पूरी वीडियो बनाई है मेरी। अब मेरी बैटिंग आ गई है फाइनली। हेलमेट लेके जाना है, हेलमेट भी लेके जाना है, हेलमेट भूल गया, हेलमेट लगाइए मेरे फटाफट। चलो तो भाई अब रेडी हो गया हूँ मैं। तो गाइस बैटिंग अपनी फिनिश हो चुकी है, अभी मोहित रोहन लाप पे मोहित भाई बैटिंग करने गए हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी बारिश आ गई है और अपने भाई साहब बॉलिंग के लिए रेडी हैं। इन्होंने मुझे पता नहीं 100 बार आउट किया 150 बॉलों में।
क्रिकेट खेलने के आने के बाद मैं सो गया था थोड़ी देर लंच करके। अभी हम जा रहे हैं वॉक कर रहे हैं और दिन कुछ ऐसा हो गया है। अभी टाइम हो रखा है 5:15। अभी फटाफट से वॉक करके आते हैं थोड़ी देर। वॉक करके आने के बाद फिर करेंगे आज के दिन की वर्कआउट। दाढ़ी बनानी पड़ेगी, बाल भी कटवाने लायक रखे हैं लेकिन लॉकडाउन लगा हुआ है तो आई डोंट थिंक सो बाल कभी कटवा सकते हैं। अभी फटाफट से चलते हैं वॉक करने, आप लोगों को भी थोड़ा दिखा दूंगा कहाँ जा रहे हैं। ये है हमारी बिल्डिंग जहाँ पे हम रहते हैं। हाउस टूर लेने के लिए कमेंट करें फटाफट। ये कितने खूबसूरत से वाइट वाइट पेड़ लगे हुए हैं। अभी हम वॉक करने इस साइड नहीं इस साइड जाएंगे और ये पेड़ देखो कितने वाइट हैं। पास से दिखाऊंगा शायद, दूर से इतना अच्छा ना दिखे। ये देखो कितना वाइट है, बस ये थोड़े दिन तक वाइट रहेगा, उसके बाद वो सामने जो ग्रीन है वो जो ग्रीन है वैसा ग्रीन हो जाएगा। तो गाइस ये देखिए कितना सुंदर सा रास्ता है वॉक करने के लिए। ये यहाँ पे बिल्कुल अच्छा बड़ा पार्क है, बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पे। ये सामने छोटी सी जिम है और वो सामने पूरी की पूरी बड़ी लेक। इसके पास में यहाँ पे ना सारे वॉक करने आते हैं, हम भी वॉक करने आते हैं कभी कभी। स्टार्ट होगा तो गाइस वीक 17 स्टार्ट होने जा रहा है एक्सरसाइज। अभी वॉक वॉक करके और सारे दिन की जो एक्टिविटी करी आपने देख ही ली है। और मेरे पास है एक ये छोटा सा इक्विपमेंट जिसको मैंने मेरे यहाँ सोफे के नीचे डाल दिया है, क्योंकि सबसे पहले हम लगाएंगे बाइसेप्स कर्ल। आज लगाएंगे हम बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज, तो हम बाइसेप्स कर्ल स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये लगा रहे हैं हम सुपर सेट। सबसे पहले बाइसेप्स कर्ल इसके साथ करेंगे और ट्राइसेप्स करेंगे ओवर हेड एक्सटेंशन इसके साथ। इसको मैं क्या करूँगा कि जब मेरे को इस हाथ से करनी होगी तब इसको मैं इस पाँव के नीचे ऐसे दबा लूँगा और यहाँ पे ऐसे, और इस हाथ से इसको ऐसे पकड़ के ऐसे ऊपर ले आऊँगा। ये मेरा ओवर हेड एक्सटेंशन हो गया, जैसे हम केबल लगाते हैं। तो इसके मैं लगाऊँगा 15। तो गाइस अब तक हम कर रहे थे इसको आगे से ऐसे फ्रंट, अब हम क्या करेंगे, अब इसको रिवर्स करेंगे ऐसे बैक और ऐसे करेंगे लाइक दिस। इसको नाम पता नहीं क्या है, जो भी नाम है इसका, बट इसको हम वैसे करेंगे क्योंकि घर पे कुछ और तो है नहीं करने के लिए, तो कुछ ना कुछ ऐसे ही जुगाड़ करना पड़ेगा वर्कआउट का। तो मैं कैमरा यहाँ पे रखता हूँ ताकि आप लोगों को पता लग जाए। सुपर सेट ट्राइसेप्स का सुपर सेट करने के लिए जो अगली एक्सरसाइज है उसके लिए आपको एक ऐसा मैट चाहिए या फिर ऐसे नॉर्मल फ्लोर पे करना चाहे तो फ्लोर पे कर सकते हो। उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने एक नॉर्मल जो पुशअप्स हम लगाते हैं पुशअप्स टाइप लगाना है, लेकिन इसमें पुशअप्स में हम करते हैं कि हम ऐसे जाते हैं और ऐसे उठते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम ऐसे हाथ रखेंगे पुशअप्स के उसमें और ऐसे उठेंगे वापस जाएंगे। तो ये लगाते हैं।
इसके मेरे से 10 ही रैप लगे, बहुत ही मुश्किल है। या तो फिर आप वी पुशअप्स लगा सकते हैं, वी टाइप पुशअप्स भी आपको ट्राइसेप्स में काफ़ी हद तक काम करती हैं। तो गाइज अभी तक हम कर चुके हैं 2 ट्राइसेप्स और 2 बाइसेप्स। मैं सुपरसेट लगा रहा हूँ। सुपरसेट लगाने इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि मेरे पास घर पे ज़्यादा वेट है नहीं, वेट और या डंबल्स वगैरह कुछ भी नहीं है। आपने देखा सिर्फ 2 बैंड्स हैं, एक थोड़ा सा हाई इंटेंसिटी का बैंड है जो ये ऑरेंज वाला है, थोड़ा सा हाई इंटेंसिटी का है, और जो थोड़ा सा ये जो ब्लू है ये इतना ज़्यादा हाई इंटेंसिटी नहीं है। लेकिन इनके साथ ही मैं पिछले 4-5 वीक से काम चला रहा हूँ, और उस 5 वीक में मैंने 2 वीक एक्सरसाइज करी भी नहीं, लास्ट वीक और उससे पहले की वीक। रीज़न ये है कि बुखार हो गया था और उसके बाद में फिर मुझे वैक्सीन लगी, तो 2 वीक ऐसे ही निकल गए। डाइट वाइट इतनी अच्छी से फॉलो भी नहीं कर पाया मैं, और अभी फिर से अभी जो लास्ट के 2 वीक मैंने ख़राब करे हैं उनको भी मैं मेरे ट्रांसफॉर्मेशन टाइम के अंदर ही ऐड करूँगा। इसलिए मैं आज आपको बता रहा हूँ कि 14 वीक के बाद 15 और 16 वीक की कोई वीडियो नहीं आई, तो ये 17th वीक होगा अपनी ट्रांसफॉर्मेशन का। और अब हम जाते हैं अपनी अगली वर्कआउट की तरफ। आपको दिखाता हूँ ट्राइसेप्स के लिए आपने क्या लगाना है और बाइसेप्स के लिए क्या लगाना है। तो बाइसेप्स के लिए मैं सेम इसी जगह को यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैं लगाऊँगा हैमर कर्ल। अभी तक हम लगा रहे थे अपने हाथ को ऐसे करके ये वाला, अभी हम क्या करेंगे हैमर कर्ल कैसे लगाएंगे, इसको हम यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे, और इसको हम ऐसे उठाएंगे हैमर, और बिल्कुल कोशिश करेंगे कि ये बैंड बिल्कुल सीधा रहे और हमारा जो ये हाथ है ये बिल्कुल सीधा रहे। अभी मैं इसको रख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए मैं क्या लगाने वाला हूँ। तो गाइस आज की तीसरी एक्सरसाइज अपनी ट्राइसेप्स की होगी। नाम बिल्कुल नहीं पता क्या नाम है इसका, लेकिन मैं दिखा देता हूँ कि कैसे होगी, क्या लगाने वाला हूँ। यहीं पे लगाएंगे एग्जैक्टली सेम जगह पे, बस इसको क्या करेंगे ऐसे होंगे, अपनी जो आर्म है वो जो फ्लोर है उसके पैरेलल होनी चाहिए ऐसे। मैं लगाऊंगा इसके यहाँ पे, आप हाथ रख सकते हो 12 या 15 जितने लगेंगे। और 4 एक्सरसाइज के लगाऊंगा, इसके साथ वर्कआउट फिनिश करेंगे। और वर्कआउट फिनिश करने के बाद एज यूजुअल, जैसे कि आपने पहले वाली वीडियो में देखा है, आपको दिखाऊंगा वीक 17 तक आते आते कितनी प्रोग्रेस हुई है, क्या प्रोग्रेस कर रहा हूं, और थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो ही चुका होगा कि नेचुरली यदि आप प्रॉपरली वर्कआउट एक्सरसाइज करते हैं अच्छे से ध्यान दे के तो आपका नेचुरली रिजल्ट आएगा, नो डाउट। यू कैन सी बाइसेप्स ट्राइसेप्स टुडे एंड सो लेट्स गाइस, लेट मी जस्ट फिनिश दैट वर्कआउट। ये वर्कआउट फिनिश करके उसके बाद फिर आपसे मिलता हूँ प्रॉपर आज की वीडियो के अंदर। मैं वीक 14 और 15 का जो भी मेरा मेजरमेंट था वो भी डालूँगा कंपेयर करने के लिए, ताकि आपको पता लगे कि कितना फ़र्क हुआ है।
और क्या अपडेट है दिखाता हूँ आपको अभी। तो गाइस वीक 17 फिनिश, एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। पता नहीं लाइटिंग कैसी है, मैं थोड़ा ऐसे खड़ा हो जाता हूँ ताकि मेरा लाइट ना पड़े। 17 वीक में नेचुरली प्रॉपर डाइट थोड़ी बहुत मिस हुई है, और क्या रिजल्ट है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। टी शर्ट निकाल के आप क्या अचीव कर सकते हैं, ये ऐसी कुछ है कंडीशन फिलहाल। बैक दिखा देता हूँ, जो एब्स है, एब्स का ये सीन थोड़ा पास से दिखा दें मोनिका। एब्स का ये सीन है कि थोड़ी बहुत लाइनिंग आ रही है ये ओब्लिक्स के ऊपर। और सो दैट्स इट गाइस, 17 वीक में ये किया है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में 18वें वीक की प्रोग्रेस और एक्सरसाइज। और आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आज का जो हमने फिटनेस का एक वीडियो शूट किया है, फिटनेस और व्लॉगिंग मिला के, वो आपको कैसा लगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो उसको मैं एज ए व्लॉग की तरीके से बनाऊँ या सिर्फ और सिर्फ फिटनेस के तरीके से बनाऊँ। ओके, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीक। बाय बाय, टेक केयर। हम कभी कभी नहीं, हम रोज़ वो करने आते हैं।